अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह। कल चेक करें माशाल्लाह चिकन कोटा के जी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। क्या आलू के खुशबू है माशाल्लाह। आइए मज़ेदार चिकन पोटा ग्लेजी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे तैयार की जाती है। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तमाम दोस्तों का वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। और ये प्यारे से रेसिपी कैसे तैयार की जाती है आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों अल्लाह पाक सब दोस्तों को खुश रखे। जिन दोस्तों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम चिकन पोटा कलेजी बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमने ऑयल डाल दिया, ऑयल को गर्म होने देंगे। इधर फ्रेश चिकन पोटा कलेजी धो के हमने अच्छी तरह रखी हुई है, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हो गया गरम, अभी इसमें डालेंगे 3-4 पीस बारीक काट के प्याज। इसमें डालेंगे प्याज को अच्छी तरह ब्राउन करेंगे और बर्तन भी सही साफ करेंगे, कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हल्का हल्का ब्राउन हो गया। लहसुन अदरक 1 चम्मच, इतना अच्छा लहसुन अदरक और प्याज फ्राई हो गया, इसमें चिकन पोटा कलेजी अच्छे फ्राई होगी। अभी एक से 2 मिनट इसको फ्राई होने देंगे। अभी इसमें फ्रेश चिकन पोटा कलेजी डाल देंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। तो 2 मिनट के लिए कवर लगाएंगे, 3 से 4 मिनट के बाद कवर हटाएंगे। तो माशाल्लाह अच्छी तरह कलेजी पोटा ने पानी छोड़ा और यहाँ पे आके हमारे पास 3 से 4 पीस टमाटर बारीक काट के 3-4 पीस ग्रीन चिल्ली ये डाल देंगे। मिक्स करेंगे। कवर लगा देंगे 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट के बाद कवर लगाएंगे। देखिए माशाल्लाह टमाटर अच्छी तरह मिक्स हो गए। टमाटर में भी अपना यही पानी में चिकन पोटा और कलेजी डल जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे आके 1 चम्मच काली मिर्च और नमक, हल्दी, गर्म मसाला, दली मिर्च, लाल मिर्च और साबुत धनिया और ज़ीरा 1 चम्मच ये डाल देंगे। इसको कर देंगे तो
कवर लगा के तकरीबन 10 मिनट के लिए आग मीडियम कर देंगे। 10 मिनट के बाद फिर मिलते हैं। 10 मिनट के बाद कवर हटाएंगे। देखें माशाल्लाह अभी चिकन पोटा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। यहाँ पे आके खुशबू के लिए कसूरी मेथी मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी